अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरमल सॉस। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चले शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने एक सॉस पैन लिया हुआ है, गैस का चूल्हा ऑन किया हुआ है। हम आधा कप चीनी शामिल करेंगे और चीनी को हमें हिलाना नहीं है, कैरमलाइज करना है। अपने आप चीनी इसमें घुलने लग जाएगी। चीनी अब इस तरह कैरमलाइज हो चुकी है, इस तरह उसमें हम एक टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। बटर अच्छे से मिक्स हो जाए तब आधा कप फ्रेश क्रीम शामिल करें और उसे मिक्स करेंगे। फ्रेश क्रीम और बटर शामिल करने के बाद उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है कैरमल सॉस को। 25 मिनट तक उसे धीमी आंच पर पकाएंगे। हमें इतना पकाना है कि कैरमल सॉस थोड़ी गाढ़ी हो जाए। 20 मिनट तक हमने इस कैरमल को अच्छे से धीमी आंच पर पका लिया है। इस तरह वो अब गाढ़ी हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। हम गैस का चूल्हा ऑफ करेंगे। तैयार है कैरमल सॉस, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस कैरमल सॉस को किसी भी स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केक, टार्ट्स, आइसक्रीम। मुझे कैरमल सॉस की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप अपना, अपने घर वालों का और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।